इतिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू इतिहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है क्या हैदराबाद असमत रेजी के मुलजिमों का इंकाउंटर सही है या गलत यकीनन हैदराबाद में जो असमत रेजी हुई है और बेरहमी से चलाया गया इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाक रहा पूरे देश में गुस्से की लहर उठी हर तरफ इजलास और जुलूस किए गए खातन के तहफुज को लेकर फिर मोदी सरकार को कटगरे में खड़ा किया जाने लगा वैसे तो इस मामले को लेकर कुछ फिर परस्तों ने हिंदू मुस्लिम करने की भी कोशिश की इसलिए कि इसमें एक मुलिम आरिफ पाचा नाम का था और दिगर गैर मुस्लिम थे इन नफरत के सौदागरों को यह मालूम होना चाहिए कि जुर्म किसी मजहब का नाम नहीं होता जुर्म जुर्म होता है फिर चाहे वो असमत रेसी हो या दहशत गर्दी हो लेकिन पिछले कुछ सालों से हर मामले को मजहब का रंग देने की साजिश बिल्कुल मन तरीके से अंजाम दी जा रही है ताकि देश में दिगर मसाइल पर बहस होने के बजाय मजहब धर्म के नाम पर लड़ते रहे ताकि असल मसलों को बगल दी जाए यहाँ पर भी यही किया जा रहा था हैदराबाद निर्भया की चार्जशीट के मुताबिक आरिफ पाशाह उम्र छबीस पेशा ट्रक ड्राइवर शिवा उम्र बीस साल नवीन उम्र बीस साल ट्रक क्लीनर और केशव केशवल बीस साल जो ट्रक ड्राइवर है मुजरिमों के नाम इस कदर है कुछ देशद्रोही किस्म के अफराध अलग सिमत में मसले को ले जाना चाहते हैं इससे पहले भी यही वह शख्स था जिसने कमलेश तिवारी कत्ल मामले को लेकर मुसलमानों के बारे में नफरत उगलना शुरू किया था उस शख्स का नाम है स्वामी सरस्वती जो हमेशा इसी तरह के और के जरिए मकबूल बटोरना चाहता है हैदराबाद रेजी मामले को भी नफरत की आग में झोंकने का मंसूबा इसने बना दिया था इसने मीडिया में आकर यह कहा कि चारों मुलिम मुसलमान है और पुलिस बाकी तीनों के नाम बदल कर पेश कर रही है ताजुब तो इस बात का होता है कि ऐसे नफरत के सौदागरों पर मुकदमे दायर क्यों नहीं होते पर इनके खिलाफ अगर कोई सच्चाई पेश करने लगता है तो पुलिस पूछताछ करने लगती है खैर अब मामला एनकाउंटर का सही है या गलत पर आ रुका है असमत रेजी के बढ़ते वाकत ने गोया भारत का सर नीचा किया हुआ है भारत शायद रेप मामलों का कैपिटल बनता जा रहा है चारों मुलिमों को जब क्राइम सीन रिक्रिएशन के लिए उसी जगह ले जाया गया और उन्हें गोली से मार दिया गया देश में गुस्सा भी बहुत था कि एक खुतन जो जानवरों के डॉक्टर थी और अचानक स्कूटी खराब हो जाती है रात के अंधेरे में चार ट्रक ड्राइवर मदद करने के बहाने उसे ले जाते हैं और इज्जत तार तार होने के बाद बेरहमी से जला दिया जिससे देश सदमे में पहुंचता है, से लेकर मायावती और दिगर फिल्मी सितारों ने भीड़ के हवाले करने की मांग की और यकीन बहुत ही घिनौना काम उन दरिंदों ने अंजाम दिया था पर जब चारों का एनकाउंटर हुआ तो कई सवाल भी उठने लगे हैदराबाद पुलिस जिंदाबाद के नारे और फूलों की बारिश पुलिस वालों पर की गई सवाल यही उठाया जा रहा है कि क्या अब इंसाफ सड़कों पर किया जाएगा क्या अब मॉब लिंचिंग को भी सही ठहराया जाएगा यानी आवाम जो चाहेगी वही फैसला उसी तरह किया जाएगा जबकि पूरे मामले का कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं है क्या एक तरह से फर्जी इनकाउंटर को सही ठहराए जाने की शुरुआत होगी क्राइम सीन रिक्रिएट के नाम पर अदालत की हिरासत में मुलजिमों को रात के तीसरे पहर शायद शाद नगर ले जाया जाता है जबकि 6 दिसंबर की सुबह पूरा देश कि आवाम सनसनी खेज खबर सुनकर उठ जाती है क्या वाकई इंसाफ का तरीका है जब फैसले सड़क पर होने लगे तो फिर अदालतों का क्या काम रह जाएगा वह सवाल उठाने वालों ने तो यह भी कहा कि चार ट्रक ड्राइवर थे इसलिए उनका एनकाउंटर हुआ और जो संसद में बैठे हैं जिन पर असमत रेजी के इल्जाम हैं क्या इनका भी एनकाउंटर होगा भाजपा के लीडर ने तो बड़ी बेशर्मी से गवाह को मारने की कोशिश भी की थी जो उन्नाव का आपको भी मालूम होगा एक रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा एम पी और एम एल एज है जिन पर असमत रेजी के मामले चल रहे आवाम के गुस्से को मद्देनजर रखकर और तेलंगाना सरकार पर बढ़ते दबाव के तहत यह फैसला लिया गया क्या तफ्श मुकम्मल हो चुकी थी नहीं तो फिर किस बुनियाद पर पर्जी एनकाउंटर किया गया क्या इस कयास से इनकार किया जा सकता है कि आवाम के जज्बात को देखते हुए पुलिस ने जल्दबाजी में तनकीद से बचने और तारीफ हासिल करने के लिए कमजोर व मासूम लोगों के मत्थे या जुर्म मर दिया हो ठीक है कि इसके इम्कान बहुत बहुत कम हो लेकिन इम्कान से इनकार तो नहीं किया जा सकता हुकूक तंजीमों का कहना भी यही है कि जो भी इस इनकाउंटर पर जश्न मना रहा है याद रखे कि खुतिन के हुकूक की लड़ाई को कई कदम पीछे धकेल दिया है कुछ तंजीमो ने यह भी कहा है कि क्या अगर किसी का भी कल बेगुनाह को बेवजह इनकाउंटर किया तो यही जनता तालियां ही पीटती रहेगी क्या खुतिन के हुकूक इससे हासिल हो पाएंगे खुवान हुकूक की सोनाली मिश्रा कहती है कि बलात्कारियों की हिमायत में कोई नहीं होता पर फौरी इंसाफ़ बहुत खतरनाक होता है मारूफ वकील और हुकूक कारकुन उरंदा ग्रोवर का कहना है कि अगर एनकाउंटर पर जश्न मनाने का नज़रिया और बहस में ख़वान की बड़ी हार होगी जो लोग जश्न मना रहे हैं उन्हें यह मालूम नहीं कि आगे खुतिन को कितनी बड़ी कीमत इस नजरिया की चुकानी पड़ेगी यह डर भी उन्होंने जाहिर किया कि अब जिम्मेदारी तय करने की बात ही खत्म हो जाएगी जब भी शहरों में बेहतर बुनियादी सहारे की मांग करेगी सरकार और पुलिस दोनों ही रोजमर्रा की अमन अमान को दुरुस्त करने के बजाय इस तरह हिरासत में हुई गैर कानूनी कत्ल को सही ठहराने में लग जाएंगे वृंदा ग्रोवर ने कहा कि दूसरी सबसे फिक्र करने वाली बात यह है कि इस एनकाउंटर को मिल रही आवाम की कबूलियत पुलिस को अदालत और कानून के तरतीब से से नजर आती है मतलब अगर पुलिस ही इस तरह इंसाफ करने लग जाए तो फिर अदालत की क्या जरूरत है वही दूसरी ओर मायावती और माया उमा भारती ने यूपी पुलिस को इससे इस सीख लेने की जरूरत कहा है जहां बच्चन ने तो कुछ ही दिन पहले मॉब लिंचिंग की भी हिमायत की थी फेलवी एग्निस ने इस एनकाउंटर को जमहूरियत के खिलाफ करार देते कहा कि रात की तारीखियों में निहत्ते लोगों को बिना सुनवाई बिना अदालती कार्रवाई के मार देना खौफनाक है पुलिस इस तरह से कानून अपने हाथों में नहीं ले सकती इस तरह के एनकाउंटर को मिल रही अवामी हिमायत की वजह से पुलिस की हिम्मत इतनी बढ़ जाती है कि वह चार निहत्ते मुलजिमों को खुलेआम गोली मारने में नहीं हिचकिचाते हैदराबाद एनकाउंटर सोशल मीडिया में भी दो हिस्सों में बैठा नजर आ रहा है कहीं पर जब जश्न तो कहीं पर तनकीद देखने में मिल रही इंसानी हुकूक तंजीम हक़ से जुड़ी भारतीय अली कहती है कि इस तरह का एनकाउंटर और इसे मिलती अवाम की हिमायत देश में बढ़ रही ब्लड लस्ट खून खराबे वाली और बदला लेने वाली कार्रवाई को आम बना देता है यह जश्न मनाने यह जश्न मनाने का नहीं बल्कि एक मायूसकुन दिन है आज यह साबित हो गया कि अदालती निजाम से हमें कोई मतलब नहीं है लिंचिंग हो या इस तरह के मुंह अंधेरे निहत्य लोगों को बिना सुनवाई के मारना जिस तरह हम ग, हर गैर आइनी और गैर कानूनी कार्रवाई की हिमायत करते हुए तालियां पीटते हैं इससे यही पता चलता है कि हमारे समाज में लोगों के अंदर खून की प्यास है हम लोकतंत्र से भीड़ तंत्र होते जा रहे हैं और यह देश के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है इसी तरह और भी कई इलमी दानश्वरों ने ऐतराज जताते हुए कहा कि कई सारे आसाराम आज भी ज़दार बनकर इज्जत लूट रहे हैं लिहाजा इन पर भी कार्रवाई की जाए वरना फर्जी एनकाउंटर एक रस्म बनने से रोका नहीं जा सकता इतिहाद न्यूज देखने के लिए शुक्रिया अल्लाह हाफिज